साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नए प्रोडक्ट की बेहतरीन जानकारी लेकर के। और जिस प्रोडक्ट की जानकारी मैं आपको आज देने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं उसकी जानकारी अगर हो सके तो अगर आपके पास डायरी और पेन हो उसमें नोट करें और सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि इस जानकारी के अभाव में आपको शायद पता नहीं है लगभग 60-70% की बीमारियां हमारे घर में पैदा हो रही हैं, हमारे ना चाहते हुए पैदा हो रही हैं। लेकिन अगर हम ये जानकारी रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम इस बीमारी को आने से रोक सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे अपने घर में बीमारी को लाने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट घर पे है जिसको हम लगातार कई वर्षों से यूज कर रहे हैं, जिसका सही चयन न करने से हमारे घर में कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं। वो कैसे आती है बीमारियां, क्यों आती हैं, और हमें उसका सामान को उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना चाहिए और उस प्रोडक्ट के क्या क्या फायदे हैं, इस पर मैं पूरा प्रकाश डालूंगा आपके सामने। मैं जिस प्रोडक्ट में बात करने जा रहा हूं आपसे उसका नाम है कुकिंग ऑयल। जी हाँ दोस्तों, रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल। ये क्यों नुकसानदायक होता है और उसको कैसे उपयोग करना चाहिए या कौन सा करना चाहिए, अब आगे मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं आपसे। देखिए मेरे पास पीछे बोर्ड लगा है, बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा है कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल, यानी हम जिस तेल का सेवन घर पे करते हैं वो खाने का तेल रिफाइंड ऑयल होता है। मगर सबसे बड़ी बात यह होता हूं, हिंदुस्तान में 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो कौन सा तेल को खा रहे हैं। वो बस दुकान पे जाते हैं, दुकानदार की मर्जी का तेल खरीदते हैं, जो दुकानदार ने दे दिया वो खरीदते हैं और उसको लाके उपयोग करते हैं। उनको इससे मतलब ही नहीं है कि उस तेल के अंदर क्या पड़ा है कंपोनेंट, उसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। वो बस तेल को खा रहे हैं और बीमारी को बॉडी में पाल रहे हैं। देखिए कैसे, जो खाने का तेल होता है एक्चुअली उसको रिफाइन करने का तरीका होता है। बेसिकली देखा जाए तो दो तरीके से तेल को रिफाइन करते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं केमिकली रिफाइंड, दूसरा होता है फिजिकली रिफाइंड। केमिकली रिफाइंड तेल जो होते हैं उसको रिफाइन करने के उसमें लगभग 15-20% तक उस तेल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है। जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने नाम बिल्कुल सुना होगा। ये हार्डवेयर दुकान में 20-30 रुपए बॉटल मिलता है, कई लोग इसे टॉयलेट भी साफ करते हैं। सोचिए इसी एसिड से इन तेलों को केमिकली रिफाइन किया जाता है और हमारे घरों में आता है। आप प्रैक्टिकली बस चेक करिए, मैं बोलता हूँ, देखिए चेक करिए तब बात को मानिए। आपके किचन में घर पे जहां पे आप तेल को गर्म करते हैं, आप जाकर के किचन की दीवार को टच करिएगा हाथ से, आप देख पाएंगे कि आपकी दीवारें पूरी चिपक रही है, चप चप चप। आपका एग्जॉस्ट का हाल देखिएगा, एक सफेद कपड़ा लेके एग्जॉस्ट को घिसिएगा, आप पाएंगे कि पूरा का पूरा एग्जॉस्ट काला पड़ चुका है। सोचिए ये कालापन कहां से आया, ये दीवार को चप चप हो रहा है, ये तेल नहीं है, ये उस तेल में पड़ा हुआ एसिड होता है। एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बताता हूं, एसिड जो होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग होता है 65 डिग्री का। जो हमारे खाने का तेल है उसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 85 डिग्री का होता है। तो जैसे ही आप कढ़ाई में तेल को डाल के गर्म करते हैं तो तेल बाद में गर्म होता है, एसिड पहले गर्म हो जाता है। तो जैसे एसिड गर्म होता है तो काला धुआं छोड़ना चालू करता है, तो वो एक्चुअली एसिड जल के निकलता है और हमको क्या लगता है कि तेल गर्म हो गया। इस चक्कर में हम उसमें पराठा, पूड़ी, भजिया, जो भी खा रहे हैं सब्जी हम डाल देते हैं। वास्तव में आप कभी चेक करिए, आपने जैसे ही पहली पूड़ी को डाला आप देखिए वो सिराती नहीं है, वो बस थोड़ा कच्ची सी टेढ़ी मेढ़ी सी निकल के आ जाती बाहर। शुरुआत की 4-5 पूड़ियां जो हम डालते हैं वास्तव में उस संग से सिराती नहीं है। उसका कारण ये होता है कि उस समय तेल गर्म हो ही नहीं है, वो तो एसिड गर्म हुआ, तेल तो हल्का गर्म हुआ, एसिड तो जल के निकलते जा रहा है। लेकिन मजे की बात, ये एसिड जो जल के निकल रहा था हमने उसी में पूड़ी पराठा बनाना चालू कर दिया और ये बॉडी में आना चालू हो गया। हमारा शरीर एसिड पचाने के भगवान ने नहीं बनाया है, लेकिन ना चाहते हुए भी ये एसिड हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है। रिजल्ट इसका बड़े खतरनाक आते हैं। अगर एसिड बॉडी में आएगा तो निश्चित है कि एसिडिटी बढ़ेगी, कब्ज बढ़ेगा, अपच बढ़ेगा, गैस बनेगी, और जब ये चीजें होती हैं तो इंसान को इसके साथ साथ कई बीमारियां और आती हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो बाजार के जो तेल होते हैं इनमें पाया जाता है LDL, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। LDL क्या होता है, जैसे हमारी जो नसें होती हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी नस है, नसों के अंदर से खून का संचार होता है, ये LDL बड़ा चिपचिपा होता है। LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इसको बोलते हैं, ये बहुत चिपचिपा पदार्थ होता है। ये जब नसों के अंदर से गुजरता है, जहां नसें पतली होती हैं वहां उसके सरफेस पे चिपक जाता है अंदर, चिपकते चिपकते रोज चिपकता है। आप पराठा खाइए चिपकेगा, पूड़ी खाइए चिपकेगा, समोसा खाइए चिपके, सब्जी खाइए चिपके, आप तेल की कोई भी चीज खाइएगा वो अंदर चिपकेगा। होता क्या है, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल होते 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 ये इतना चिपक जाता है अंदर कि ये जो आप देख रहे हैं ये नस बनी हुई है, ये नसों को अंदर से ब्लॉक कर देता है। अब जब नसें अंदर ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, ये खून का संचार जो होता है उसको प्रभावित करता है। देखिए कैसे मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए पानी का पाइप,
इस पानी के पाइप को अगर आपने क्या किया, सामने से अंगूठा लगा के दबा दिया, पानी की जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है लेकिन पानी की मात्रा कम हो जाती है। कम पानी आ रहा लेकिन रफ्तार में जा रहा है क्योंकि पानी का प्रेशर बढ़ गया। ऐसे ही नसों के अंदर क्या होता है, खून का प्रेशर बढ़ता है जिसे ब्लड प्रेशर की बीमारी बोलते हैं। अब आप सोचें ये ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है ये आपके खाने के तेल से हो रही है क्योंकि अंदर कोलेस्ट्रॉल जमते जा रहा है और इसको निकाल नहीं सकते आप। अब अगर पर्याप्त मात्रा में खून नहीं गया, पहले तो ब्लड प्रेशर पर्याप्त मात्रा में खून नहीं जा रहा है, आपका लीवर जो होता है आपके पैंक्रियाज की फंक्शनिंग कम हो जाती है। पैंक्रियाज की फंक्शनिंग कम होने के कारण से आपका इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में ब्लड में नहीं जाता जिस कारण से ब्लड का शुगर भी बढ़ जाता है। खाने के तेल से बीपी की बीमारी हुई, खाने के तेल से ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई थी मैंने बताया आपको, और इसी से शुगर की बीमारी हो गई। मजे की बात सुनिए, जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो होता क्या है, खून आगे नहीं जा रहा है, और जब खून आगे नहीं जाएगा तो इससे हमारा हार्ट अटैक भी होता है, कोलेस्ट्रॉल कारण हमारा हार्ट अटैक। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, कैसे बचे, होता क्या, देखिए प्रैक्टिकली। अब किसी को अटैक आया, आदमी गिर गया, उसको लेके हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करते हैं पता है आपको, उसको कोलेस्ट्रॉल को हटाने का धरती में केवल दो ही कंपोनेंट हैं जो इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घोल के निकाल सकते हैं बाहर। उसमें से एक को कहा जाता है ओरिजिनोल, एक को कहा जाता है टोकोफेरॉल। ओरिजिनोल, टोकोफेरॉल, टोकोट्राइनोल, ये दो तीन ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो इस जमे हुए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से हम इसको खाते नहीं है, नहीं हमको कहीं से मिलता है जल्दी। होता क्या है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा क्या हो गया भाई, बोले साहब हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर बोला इसको आईसीयू भर्ती करो, आईसीयू भर्ती किया गया, उसको इंजेक्शन दिया जाता है। उस व्यक्ति को जिसको हार्ट अटैक आया उसको इंजेक्शन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, और ये जो इंजेक्शन होता है इस इंजेक्शन के अंदर पड़ा हुआ होता है यही एंटीऑक्सीडेंट ओरिजिनोल, टोकोट्रेनोल, टोकोफेरॉल, जो नसों के अंदर जाते ही इस जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को खोलना चालू करता है। अब होता क्या, ये नसें तो पूरी ब्लॉक थी, ये बीच इसको जरा सा खोल दिया, जैसे ही बीच जरा सा खोलता है तो खून जाना वापस चालू हो जाता है और आदमी की जान बच जाती है। आदमी की जान बच गई, डॉक्टर ने क्या किया, 3 महीने की उसे दवाई लिख के दिया, बोला इसको घर लेके जाओ, 3 महीने की ये दवा है, इसको दो, ये आदमी ठीक रहेगा। और लाखों रुपए का बिल बन जाता है जिसको आपको चाहो चाहे ना चाहो कहीं से पैसा लाओ पेमेंट करना पड़ेगा आपको। अब आप घर लेकर क्या गए उस आदमी को, 3 महीने तक देखिए होता क्या, रूटीन में बता रहा हूं आम आदमी की, उस तेल को वो आदमी छोड़ देता है, कोई तेल नहीं खाता, केवल दाल रोटी और दवाइयां, दाल रोटी दवाइयां, 3 महीने तक आदमी यही करता है। 3 महीने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जैसे 3 महीना हो गया उसके बाद उस आदमी को क्या लगता है कि अब मैं एकदम ठीक हो चुका हूं, अब वो आदमी अपनी लाइफ को वापस फिर पुरानी रूटीन में लाना चालू करता है। घर पे पूड़ी बनेगी उसको भी खाएगा, घर में पराठा बनेगा उसको खाएगा, घर में कुछ भी बन रहा है खाएगा, बाहर जाएगा शादी पार्टी में सब खाएगा, उसको मन में यही बैठा हुआ कि 3 महीने की दवाई थी मैंने पूरा खा लिया है। रिजल्ट क्या हुआ, ये जो नस थोड़ी सी खुली हुई थी ये वापस ब्लॉक हो जाती है 4-6 महीने में, 1 साल में, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आदमी को सेकेंड अटैक पड़ता है क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा है। आप मुझे बताएं ये जो दूसरा अटैक पड़ेगा, अब हमारा हार्ट पहले की तरह जवान है या कहानी खत्म है? यही कारण दोस्तों कि सेकेंड अटैक में आदमी नहीं बचता। यानी हम जो तेल आज तक खा रहे थे घर पे बाजार लगे, हम जहर खा रहे थे, जहर बोलता हूं मैं, क्यों हमें पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, कौन सा तेल खाना चाहिए, मैं आपसे अब ये चर्चा करता हूं। तेल तो खाना ही है आपको, कभी भी तेल खाइए, फिजिकली रिफाइंड तेल खाइए। फिजिकली रिफाइंड तेल उस तेल को कहा जाता है जिसमें एसिड 0% होता है, एसिड होता ही नहीं है। आप कितना भी गर्म करो तेल को, ये काला धुआं छोड़कर दीवारों में चिपकता नहीं है, एसिड नहीं है। अब एसिड बॉडी के अंदर नहीं आएगा तो इससे क्या होगा, आपको गैस नहीं बनेगी, एसिड नहीं बनेगी और आपको अपच नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, तेल कभी खाइए राइस ब्रान ऑयल खाइए जो कि फिजिकली रिफाइंड है। बाजार में राइस ब्रान ऑयल और भी आते हैं, कई कंपनियां बनाती हैं, लेकिन माफ कीजिएगा वो फिजिकली रिफाइंड नहीं है, केमिकली रिफाइंड। हम बोल रहे हैं फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान तेल खाइए, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। देखिए गुड कोलेस्ट्रॉल खासियत क्या होती है कि कभी चिपकता नहीं है, ये आता है और शरीर में आगे निकलता है खून से, और ये हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है, कुछ हद तक बैड कोलेस्ट्रॉल को कम भी करता है। इसका इस्तेमाल करें, कभी चिपकेगा नहीं, नशे में नहीं रहेंगी। मजे पर सुनिए, मैंने आपको बताया था जब आप ये गंदा वाला तेल खा रहे थे आज तक, यानी जहर खा रहे थे, तो जब नसों के अंदर आपके ये कोलेस्ट्रॉल जम रहा था तो डॉक्टर हार्ट अटैक आने पर आपको ओरिजिनोल, टोकोफेरॉल, टोकोट्राइनोल का इंजेक्शन दे रहा था। भाई साहब आपको जानकारी बता दूं मैं, ये जो तेल है फिजिकली रिफाइंड जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं राइस ब्रान ऑयल, इस तेल में ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट
प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी अगर आपने इस तेल का सेवन किया तो ये ओरिजिनल टोकोफेरॉल टोकोट्रेनॉल आपके पराठे के साथ अंदर आएगा, पूड़ी के साथ आएगा, भजिया के साथ आएगा, समोसे के साथ खाएगा, सब्जी के साथ आएगा, आप जो खाएंगे तेल के साथ अंदर आएगा। जैसे ये अंदर आया और नसों के अंदर जाना चालू हुआ तो जो पुराना आपने गंदगी नसों में जमा करके रखी ना, गंदा बैड कोलेस्ट्रोल जो नहीं निकल रहा था, यही तीन कंपोनेंट जैसे उससे मिलते हैं उसको डाइल्यूट करते हैं और वो निकलना चालू हो जाता है। अब होगा क्या, जब वो खुल जाएगा तो जो ब्लड प्रेशर की बीमारी थी वो नॉर्मल हो जाएगी। हेलो, जो पैंक्रियास था आपका उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाएगी, तो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में रिलीज होगा, तो शुगर की बीमारी भी आपको नहीं। उसके बाद आपका हार्ट अटैक की संभावनाएं 90% तक कम हो जाती है। समझिए बात को, 90% तक हार्ट अटैक की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। ये तेल का नाम है हेल्थ गार्ड। हेल्थ गार्ड के नाम से तेल मिलता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है हेल्थ गार्ड ऑयल, आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा है फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल और 14,000 ppm, 14,000 ppm ओरिजिनल से पड़ा हुआ है। ppm मतलब पार्टिकल पर मिलियन, हर एक इस तेल के मिलियन कण में 14,000 ओरिजिनल के कण पड़े हुए हैं भाई साहब। यानी ये तेल नहीं है, अमृत है। आप ये तेल खा रहे थे जो जहर था, ये तेल खाइए जो, देखिए तेल तो आपको खाना ही है, लेकिन जब तेल खाना ही है तो अच्छे तेल का सेवन करें। अच्छे तेल का सेवन करेंगे आपका परिवार खुशहाल रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बीपी, शुगर, एसिडिटी, गैस, हार्ट अटैक, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे आप बचे रहेंगे। मजेदार तो बात आपको मैं, इस तेल पर पूरी दुनिया में कम से कम 11 बार अलग अलग यूनिवर्सिटी ने रिसर्च कर लिया है और रिसर्च करने के बाद इस तेल को सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। इस तेल का इस्तेमाल करें आप सभी लोग, मैं चाहता हूं। और हमारे हिंदुस्तान में लगभग 9 बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है इस तेल को। एक बार शानदार सलाम है आप सभी को, और सभी लोग इस तेल का इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें, हेल्थ गार्ड के साथ जिए और अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। हेल्थ इज वेल्थ की सीरीज में ये हमारा अगला प्रोडक्ट था। मैं बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर के आऊंगा आप सभी के सामने एक अलग एक शानदार प्रोडक्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।